हे चैंपियंस कमांडोस आई नेगी वेलकम यू ऑल माय फ्रेंड्स इन द स्पेशल सेशन तो एक बार वो पहले भी एक बार पाँच मिनट का वीडियो बनाया था अप सिविल चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर और हाईवे का बहुत अच्छा आपका रिस्पांस मिला तो उसका तहे दिल से आप सबका स्वागत और एक और दोस्तों पाँच मिनट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके लिए और इसमें मैं कराऊँगा ए एन मैथड अभिनवनेगी मैथड और ड्राॅइंग द फास्टेस्ट वे इन द प्लैनेट To draw SFD BMD. Guys, most of you are already aware today. I'll be just taking three more questions and solving SFD BMD from the AN method. Fastest method, guys. Let me uh, ek se batadun, yaar. Let me tell you guys that this uh, AN method na, of drawing the fastest uh, SFD BMD. नॉट सिंग मेथड आई हैव डेवलप जस्ट आई एम यूजिंग दिस मैथ एन मेथड ऐसा मेरा नाम दिया हो गया वो मैं इन्वेंट नहीं किया हूं पहली बता दूं भाई लोग ओके तो चलते हैं सफर पर पांच मिनट की सीरीज पर एन मेथड पर दोस्तों एस एफ डी बी एम डी मैं इन चीजों का यूज करूंगा जैसे कि यह क्या है बेंडिंग मोवमेंट का स्लोप होता है शेयर फोर्स एम मतलब बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट का स्लोप होता है शेयर फोर्स शेयर स्लोप का स्लोप uh, होता है लोड इंटेंसिटी अपवर्ड पॉइंट लोड लगता है तो शेयर फोर्स जंप करेगा दोस्तों डाउनवर्ड पॉइंट लोड लगेगा तो शेयर फोर्स फॉल्स करेगा ये क्लॉकवाइज वाइज मूवमेंट लगेगा तो बीएमडी जंप करेगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगेगा तो बीएमडी फॉल करेगा दोस्तों अपवर्ड लोड इंटेंसिटी अगर लग रहा है चाहे यूडीएल है चाहे यूवीएल इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड लोडिंग विल बी टेकन एज नेगेटिव ओके सो so, स्टार्ट करते हैं दोस्तों सभी तीन क्वेश्चन की मदद से इन सारे पॉइंट्स को कैसे यूज करना है देखेंगे तो ये तीन क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिए हैं पहले अपना होमवर्क कर लिया ताकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो ओके okay? तो दोस्तों आ, पहला ये क्वेश्चन है मान लेता हूं सिमेट्रिकल है ये एल बाई टू है और सपोज ये भी एल बाई टू डिस्टेंस है अच्छा क्योंकि सिमेट्रिकल है बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल सो इफ इट इज एक्टिंग पी लोड सो हियर कितना लग रहा होगा यह लग रहा होगा पी बाय टू

नहीं है, तो लोड इंटेंसिटी कितना है तो शेयर फोर्स का स्लोप कितना है लोड इंटेंसिटी लोड इंटेंसिटी कितनी है यहां पे जीरो है तो जीरो स्लोप कैसा होता है दोस्तों जीरो स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड लोड पी है डाउनवर्ड लोड पी है तो डाउनवर्ड लोड पी है तो शेयर फोर्स फॉल करेगा डाउनवर्ड लोड पी है तो शेयर फोर्स फॉल करेगा

चुटकी में चिपका क्या था वो एड कुछ ऐसा कुछ ऐड था ना वो चुटकी में उपका फैबिकुल ऐसा कुछ ओके बी एमडी बनाते हैं दोस्तों बीएमडी बनाते हैं फोड़ेंगे 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 किस कलर से बनाऊं किस कलर से बनाऊं किस कलर से बनाऊ चलो ग्रीन से बनाता हूं ओके okay. तो देखो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या है शेयर फोर्स कोई दिक्कत नहीं बढ़िया मजा आ रहा है मजा आ रहा है ओके okay. तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप है शेयर फोर्स ओके okay, और शेयर फोर्स ए से लेके बी तक कैसा है पॉजिटिव और कॉन्स्टेंट है दोस्तों ए से लेके बी तक शेयर फोर्स कैसा है पॉजिटिव और कॉन्स्टेंट है तो पॉजिटिव और कांस्टेंट स्लोप कैसा होता है पॉजिटिव कांस्टेंट कैसा होता है पॉजिटिव कांस्टेंट कैसा होता है ग्राफ नंबर वन पॉजिटिव कांस्टेंट ओके तो पॉजिटिव कांस्टेंट होता है ग्राफ नंबर वन तो इस तरीके से आएगा बेहतरीन कोई दिक्कत नहीं अच्छा बी से लेके सी तक शेयर फोर्स कैसा है बी से लेके सी तक शेयर फोर्स कैसा है बी से लेकर शेयर फोर्स नेगेटिव और कॉन्स्टेंट नेगेटिव कॉन्स्टेंट नेगेटिव कॉन्स्टेंट नेगेटिव मोमेंट का स्लोप शेयर फोर्स होता है बेंडिंग मोमेंट का स्लोप शेयर फोर्स होता है शेयर फोर्स कैसा है बी से सी तक नेगेटिव कॉन्स्टेंट नेगेटिव कॉन्स्टेंगे ग्राफ नंबर नेगेटिव ग्राफ नंबर फोर तो अरे ये क्या हो रहा है ग्राफ नंबर फोर इस तरीके से हो जाएगा सिमेट्रिकल रहेगा यह बी रहेगा एस बनाते हुए दोस्तों लोडिंग डायग्राम को देखना है और बीएमडी बनाते हुए एसएफडी को देखना है ठीक है हो सकता है कुछ दिक्कत रह गई हो इस क्वेश्चन को तो फोड़ते हैं इस क्वेश्चन को फोड़ते हैं अब बढ़िया कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं इसको फोड़ते हैं अब अच्छा सपोज यू इंटेंसिटी है डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर और ये लेंथ एल है तो एक मीटर में डब्ल्यू तो एल लेंथ में कितना लगेगा डब्ल्यू एल लगेगा ना सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे कितना लोड आएगा डब्ल्यू एल बाई टू और यहाँ पे डब्ल्यू एल बाय टू खैर मैं अभी शेप बनाने में ज्यादा

डाउनलोडिंग नेगेटिव माना है डाउनलोड नेगेटिव माना है और यूडीएल डाउनलोड है तो नेगेटिव है और कॉन्स्टेंट है यूडीएल तो फोर कैसा ग्राफ नंबर है कहां गया कहा गया ऐसा तो नेगेटिव कांस्टेंट ग्राफ नंबर ऐसा है लोड अपर लोड सबको पता चल गया आप तो अपर लोड शेयर अपर लोड शेयर अपर लोड शेयर तो शेयर करेगा इस तरीके से कितने से जम करेगा डब्ल्यू एल बाई टू से सिमेट्रिकल रहेगा दोस्तों ये प्लस रहेगा माइनस रहेगा बी अच्छा एस एफ डी बनाते हुए किसको देखते हैं लोडिंग डायग्राम को बीएमडी बनाते हुए किसको देखेंगे बीएमडी बनाते हुए किसको देखेंगे SFD को देखें। को करते रहना वीडियो को दोस्तों लाइक लाइक शेयर शेयर करते करते वीडियो वीडियो रहना ओके आप बीएमडी देखते हुए बनाते हुए शेयर फोर्स को देखेंगे तो डी से इसका नाम कुछ भी ले लो यार इसका नाम ई e है इसका नाम ले लो क्या लू क्या लू क्या लू टी ले लू क्या टी ले लिया डी से लेकर टी तक क्या देखो शेयर फोर्स कैसा है हमें लेफ्ट टू राइट जाना है लेफ्ट राइट जाना है है कैसा पॉजिटिव डिक्रीज कम 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 पॉजिटिव और डिक्रीजिंग कम 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 पॉजिटिव और डिक्रीजिंग सो डी से लेके टी तक इस पॉइंट का नाम टी दे दिया ऐसी डी से लेके टी तक कैसा है पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है पॉजिटिव और डिक्रीजिंग ग्राफ नंबर ग्राफ पॉजिटिव और माइग्निटिव डिक्रीजिंग ग्राफ नंबर

तो सिक्स इस तरीके से था अरे देख लो ना इस तरीके से ही तो था ओके बढ़िया चल रहा है मामला अब यहां पे कुछ वैल्यू है होगी कुछ रिएक्शन आर एफ कुछ लोड आ रहा होगा और यहाँ पे आर जी आ रहा होगा ओके दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहना फोड़ते रहना वीडियो को ओके अब देखो ये एफ पॉइंट पर दोस्तों

लेफ्ट कैसे बढ़ रहा है, 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 है नेगेटिव so, क्योंकि डाउनवर्ड को नेगेटिव मानते हैं और मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीजिंग कर रहा है तो ग्राफ नंबर ग्राफ नंबर इस तरीके तो से रहेगा और जी पे अपर लोड रहेगा तो फिर से अपर लोड तो शेरफो जम्स आपको कहानी पता चल ही चुकी है एफ जी इसको मान लेते हैं एच Guys, अभी वैल्यू वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ शेप पे जा रहा हूं अच्छा आगे चलते हैं भाई लोग बी एम डी एस एफ डी बनाते, तो बनाते हुए इस वीडियो पे सिर्फ शेप पे जा रहा हूं. अच्छा एफ से पॉजिटिव और डिक्रीज कर रहा है ना अरे कम हो रहा है ना लेफ्ट टू राइट जाना है कम हो रहा है ना पॉजिटिव और डिक्रीजिंग ग्राफ नंबर ग्राफ नंबर टू ग्राफ नंबर ग्राफ नंबर टू ओके और जी एच से जी तक ऐसा है नेगेटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड देखो बढ़ रहा है और बड़ा और बड़ा और बड़ा so, नेगेटिव और इंक्रीजिंग ग्राफ नंबर ग्राफ नंबर इस तरीके से होगा अब देखो देखो बहुत सारी चीजें हैं जहां पे शेयर फोर्स जीरो होता है बेंडिंग मोमेंट मिनिमा होता है वैल्यूज कुछ होती हैं अच्छा देखो हर सिमेट्रिकल क्वेश्चन खास बात बताता हूं हर सिमेट्रिकल क्वेश्चन का एसएफडी एंटी सिमेट्रिकल बनता है बीएमडी सिमेट्रिकल बनता है अभी ये सिमेट्रिकल नहीं है सिमेट्रिकल का एस एफ डी एन टी बनता है बी एम डी सीमेट्रिकल बहुत सारी बातें हैं और बिल्कुल अन्य वीडियोज में उनको भी देखेंगे लाइक और शेयर कर देना दोस्तों वीडियो को और इस अभिनव नेगा का, का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों आपके लिए शायद ये पांच छह जितने मिनट का भी रिकॉर्ड हुआ हो, है उतना होगा लेकिन काफी पिछले समय से मैं ये पीपीटी बना रहा हूँ पहले से लिख रहा हूं ताकि आपका कम से कम समय लगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट हो शेयर कर देना नीचे कमेंट बता देना दोस्तों कैसे लगा ठीक है तो ध्यान रखिए अपना बाहर कम से कम जाइए ठीक है घर पर रहिए स्टे सेफ ग्रेडअप के साथ सही प्रप है तो लाइफ सेट है थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी